देखती आंखों सुनते कानों और धड़कते दिलों आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? खैर सर, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह। लॉन्ग कोट भी आधा ही लिया आपने सर। कंजूस किस बात के? इन्हां दे घर मेहमान आ जे हैं, उन्होंने कह रहे थे पाए थे मोटरसाइकिल चो पेट्रोल कड़ ला। तो मैं गए किसी मरीज को पूछने। अच्छा, तो मरीज नु कही जा रहे अद्धे अद्धे पैसे पा के समोसे मंगाइए। इस तो ज्यादा कंजूसी नहीं हो सकती। अच्छा जी, अपने ब्याह से जिद कर ली कि जुत्ती छुपाई की रस्म से पैसे मैं लवाना। लीजिए बुलाते अपने आज की पहली मेहमान को। कराची से खास तौर पर तशरीफ लाई हैं और अभी रिसेंटली जाने जहां में आप उनको बहुत पसंद भी कर रहे हैं, मोहतरमा नवाज सईद। और उनका साथ देने के लिए हमारे दूसरे मेहमान सिंगर एंड सॉन्ग राइटर जनाब अब्दुल्ला मुजफ्फर। वेलकम टू द शो जी। बड़ा अच्छा लग रहा है मुजफ्फर भाई तशरीफ लाए हैं। छोटी सी उम्र है सर, लेकिन काम इतना अच्छा आपने किया है। शेर भी लाया हूँ मैं, इतना प्यारा इतना खूबसूरत नवाल जी के लिए। सोचता था जो ढूंढ लूंगा, सुना ही दूंगा हकीकतें और ख्वाब सारे। हाय हाय हाय, जो उनको देखा तो भूल बैठा सवाल सारे जवाब सारे। हाय 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 हाय, मोहब्बत की आग कैसे लगाई जाएगी, इंटरनेट की लत लोगों से कैसे छुड़ाई जाएगी। मुझे तो लगता है लड़कों लड़कियों की सारी उम्र लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब में गुजर जाएगी। नवाल क्या हाल है आपके? बिल्कुल ठीक। ठीक ठाक है नवाल। ये बताइए हुमायूं सईद का क्या हाल है? बहुत लोग पूछते हैं सानिया सईद का क्या हाल है, फरहान सईद का क्या हाल है। मगर ये आपसे पूछते हैं लोग? बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सानिया सईद, सनम सईद, हुमायूं सईद, सारे सईद जो फरहान सईद, पूरी फैमिली आपकी। लेकिन मेरा किसी से कोई वैसे लिंक तो ऐसा सच नहीं है, पर नाम आई थिंक सरनेम की वजह से उनको लगता है। सरनेम की वजह से कंफ्यूजन होती है। और अभी आप आजकल रिसेंटली हमें नजर आ रही हैं जाने जहां में, जिसके अंदर आप बहुत कंफ्यूज भी लग रही हैं और बड़ी एक मुश्किल में भी मुब्तला हैं। जी बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा। तो ये इजी था रोल आपके लिए, मुश्किल था? मुश्किल इस तरह था कि गांव की लड़की है, मेरा ज्यादा कोई एज सच इंटरेक्शन ऐसे रहा नहीं है विद पीपल इन रूरल एरियाज, तो उस तरीके से। लेकिन कासिम हैज बीन वेरी नाइस, तो उन्होंने बताया कि दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई वांट एंड ही इज आल्सो माय फ्रेंड। अच्छा, तो गांव कभी गए ही नहीं? नहीं मतलब लेकिन बात बैठ के या मतलब जैसे वो फील करती हैं क्या चाहते हैं वो लोग, लेक करना मेरे लिए थोड़ा। आप कभी गांव जाएंगी ना वैसे तो तुसी वड़दे ये हो जी चीजें खंबे ते लगी हैं उनकी। जैसे बड़े प्यारे हैं ना शहरों में होती हैं। अब्दुल्ला जी आपके क्या हाल हैं? सब बस ठीक ठाक। आपकी मुलाकात है आपस में पहले? जी जी, मेरी बहुत पुरानी दोस्ती है अब्दुल्ला। अरे पुरानी दोस्ती है। और हमें कल पता लगा कि हम साथ गेस्ट हैं। ओए होए, मुझे भी नहीं पता था। तो ये दोस्ती कब की है और क्या आप स्कूल इकट्ठे गए या कुछ ऐसा हुआ? नहीं, वी नो ईच अदर थ्रू अ फ्रेंड। और वो दोस्त कहाँ है? कराची। वो कराची में होते हैं। वैसे भी गाना भी किया हुआ है जिसमें मॉडलिंग की इन्होंने, इन्होंने गाया हुआ है। अरे वर्क टुगेदर इन अ सॉन्ग। अच्छा, आप यानी कि गाना भी कर चुके हैं और ये वो गाना है आपका गालिबन, क्या नाम था इसका? इसका क्लोजर नाम है, गल कर। क्लोजर में नवाल सईद ने काम किया था तो आपको मिला क्लोजर? क्लोजर दिया है नवाल सईद का क्लोजर था। बेसिकली लड़की की कहानी है गाना। तो जो गाना है वो बेसिकली इट्स अ स्टोरी ऑफ टू पीपल हु आर नो लॉन्गर टुगेदर, एक वक्त में थे वो, और जो मेल प्रोटैगनिस्ट है अपेरेंटली स्टोरी का, उसने लड़की को शैटर करने के बाद ही इज रिक्वेस्टिंग टू मीट हर फॉर द लास्ट टाइम। ओके, तो वो जो उसको नहीं मिल रही और जो उससे मुलाकात नहीं कर सकती वो, उसकी वजह और उसका क्लोजर है वो, इसलिए उसका नाम क्लोजर है। तो अगर आप अगली दफा गाना सुनेंगे इस थॉट के साथ तो आई थिंक आपको। और ये गाना आपने लिखा? गाना मैंने लिखा। आपने कंपोज किया? मैंने गाया। लिरिक्स भी आपके ही थे सारे? लिरिक्स मेरे थे। और आपको चाहिए साथ में ना कुछ पर्चियां लिख के रखें, ये सारा समझाएं कि ये पढ़ें और ये गाना सुनें। नहीं मतलब मुझे ये बताएं कि ये आपने जो लिखा तो आपकी इंस्पिरेशन क्या थी?
मतलब बताओ ना बताओ ना, हम आपका भी घर खराब करें घर का खराब करें? नहीं नहीं, मैं भी जरा नहीं, इट्स ये गाना हमेशा मेरे लिए बहुत पर्सनल रहेगा और पर्सनल एक्सपीरियंसेस से ड्राइव हुआ हुआ है। बिल्कुल हुआ हुआ है, पर्सनल एक्सपीरियंसेस से। तो आपने ये बात नवाल को बताई थी? जी, वैसे भी पता लग गई थी और बहुत स्पेसिफिक चीजें। तो आपने के जज्बात ज्यादा डाले जब आपको ये बात? मैंने तो जो करना था, मैं क्या इनकी पर्सनल लाइफ थी ये हर्ट के मुझे ड्राइव। अगर आप डिपिक्ट कर रही थी तो आपने कुछ तो फिर उसमें जरा ज्यादा जान डालनी थी। बट आई डिडंट टेक अ वॉक इन हिज शूज, तो मैंने बस बोला व्हाटएवर यू वांट मी टू डू आई एम गोइंग टू डू। बट आई नो कि इनके लिए बड़ा पर्सनल था। अच्छा, और बहुत सारी कुछ इंटरनेट का जमाना है तो इसमें वो दिल भी शामिल होंगे जिनका जिक्र आया है इस गाने के अंदर कहीं। मैं लगता है कुड़ी हुन अपने कार पहुंची होनी किधर। अच्छा जी, अच्छा ये आपको पता है? हां एब्सोल्युटली पता, मतलब कैसे पता नहीं होना चाहिए क्या? नहीं कैसे पता है? डू यू स्टॉक हर? मतलब पता है व्हाट आर वी गेटिंग एट? ये कहां पे बात, कहां से कहां चली गई? सवाल ने बड़ा लॉजिकल क्वेश्चन पूछा है कि क्या ऐसा कुछ है शेरी खान 1122 के नाम से कोई अकाउंट बनाया हो आपने? क्या बताऊं मैं, है ना कोई सेकंड अकाउंट है? वो इंस्टाग्राम ने वो कर दिया ना ब्लॉक, एडिशनल अकाउंट्स दे मे क्रिएट एज वेल। ओए होए, तो आप पिछले वाला ब्लॉक करवा चुके हो? हो कभी नोस वाला हो चुका है मगर। लेकिन अब्दुल्ला भाई क्यों, क्या वजह क्या बनी कि क्यों नहीं आपस में मिले? ये तो थोड़ा समय, ये तो देखे एक जाती बात है ये तो। ये हम नहीं जानना चाहते कि ये वो वाला शो नहीं है जिसके अंदर हम बिल्कुल ऐसी बात निकलवा के उसके बाद हम उस पे थंबनेल निकालेंगे। हमें और थंबनेल के लिए चीजें मिल गई हैं। मगर आपने मैडम बहुत जज्बात से इसमें एक्टिंग की। जी, आई होप सो। तो ये आप आसानी से कर लेती हैं? यस सर, भाई वन टेक एक्ट्रेस। ओए, तो ये आप यानी कि पहले आप भी कुछ इस किस्म के एक्सपीरियंसेस कर चुकी हुई हैं? नहीं, मैं तो बहुत इजी हूँ, मैं हार्ट ब्रोकन अब बिल्कुल भी नहीं हूँ। अब नहीं मुझे है। मुझे पर्सनली लग गया है कि बहुत वेस्ट ऑफ टाइम। बहुत वेस्ट ऑफ टाइम। तो आपने हमारे टाइम कब वेस्ट किया था आपने? ये टाइम हो गया उससे। कितना को टाइम, कोविड से पहले या कोविड के बाद? आई थिंक कोविड के बाद। कोविड के बाद तो ही तो भी दो एक साल ही गुजरे ना फिर। नहीं मतलब आई डोंट थिंक अबाउट इट लाइक, हां नन ऑफ अस थिंक अबाउट इट, बट इट स्टिल शैटर्स यू। नो आई डोंट थिंक। देन हाउ इज इट अ हार्ट ब्रेक इफ इट वाज वंस? ना वो वंस था भाई, आपका भी रीसेंट है, उनका हो चुका है। मेरा भी रीसेंट नहीं है, टाइम हो गया है, निकल आया हूं। कितना को टाइम हो गया आपने? क्योंकि उनके क्वेश्चन किए हैं टाइम फ्रेम को, तो फिर मैं इसलिए क्लियर करना चाह रहा हूं। डेडी सही है सर, वो तो लड़की इन्होंने मिलके उन कह रही थी अब्दुल्ला मेरा पीछा ना करे और मेरे बच्चे स्कूल जाने लग गए। अब्दुल्ला ऐसा तो कुछ नहीं, आई एम श्योर। प्लीज क्लेरिफिकेशन दीजिए। ये हंसे जैसे लगा है कि ऐसा आगे आके दो एड्रेस द एलिफेंट इन द रूम और ऑब्वियस कर दो। देखिए एलिफेंट तो एड्रेस हो चुका है, नाउ इट इज द ओनली थिंग वी आर एड्रेसिंग। द ओनली थिंग वी आर एड्रेसिंग नाउ इज यू। सो आई डिडंट एक्सपेक्ट दिस वुड एस्केलेट टू दिस। नवाल, आपने बहुत से को-एक्टर्स के साथ काम किया, वो ऐसे कौन से को-एक्टर हैं जिनके साथ आप रिपीटेडली काम करना चाहती हैं? ओए होए, रिपीटेडली काम करना चाहती हैं? वैसे एक्सपीरियंस मेल एक्टर्स के साथ बहुत अच्छे रहते हैं। फ्यू बैड एक्सपीरियंसेस आई हैव हैड इज विद फीमेल को एक्टर्स। अभी रिसेंट मैंने हारिस के साथ काम किया, वो बहुत अच्छा मुझे लगा। मुझे लग रहा था कि हम बहुत कोलैबोरेटिवली काम कर रहे थे, हम डिस्कस करते थे, मुझे ईज थी। शेरोज इज नाइस, जाहिद इज नाइस, एंड बहुत सारे वो अब्दुल्ला जानना चाह रहे हैं कि आपने कहा कि फ्यू बैड एक्सपीरियंसेस थे, तो वो कौन से वाले थे? दागे दिल में थे या फिर बिखरे हैं हम या दिले वीरान, कौन से वाले में? इसीलिए हमने आपको बुलाया कि आपसे कोई बात निकल जाए। दिले वीरान में आपके साथ नहीं, कौन? बहुत अर्लियर। अच्छा, अभी पिछले तो, कुछ अरसे की बात नहीं, है? नहीं नहीं, मतलब व्हेन आई स्टार्टेड दिस हैपेंड, और अब तो नहीं है। कौन सा वाला ड्रामा था वो आपका, शुरू में आपने किया था? मैं आपको टेक्स्ट करके बता दूं। नहीं मगर आप प्लीज बताइए तो सही ना, कुछ याद तो हो ड्रामा आपका, पहला ड्रामा था वो ड्रामे का नाम ही नहीं पता, आप अपनी हिस्ट्री रद्द कर रही हैं। मुझे पता है, बट आई डोंट वांट, आई मीन आपके ड्रामा, इनका ड्रामा है, आप सब लोग ही किसी तरह उसको निकाल सकते हैं, गूगल का जमाना है। जो आपका पहला ड्रामा था उसकी बात हो रही है, तो है ना उसी की हो रही है, देख लें। आप खुद कंफ्यूजन क्रिएट कर रही है, गलत ड्रामे पे हिट ना हो जाए कहीं। नहीं नहीं,
पहला वाला था या दूसरे वाला था? पहला वाला था। अच्छा है, अब देखे ना, अब थोड़ा बैलेंस हो रहा है, अब मुझे बेहतर फील हो रहा है। नहीं, तो मगर नवाल पहला वाला था ना? पहले दूसरे में भी हुआ है, और पहले में भी था, दूसरे में भी हुआ है। वो कभी ऐसे भी सुनने में मिलता है कि यू नो, जब कास्टिंग हो रही होती है तो कोई एक्टर कुछ बोले कि वो नवाल या ये बातें भी। क्या तो, बोले नवाल क्या यू नो, नवाल बढ़िया अब्रप्ट सी बात है, कुछ समझ ही नहीं आ रही मुझे। नहीं मतलब कभी जैसे there's a story जिसमें दो लड़कियां हैं, तो उनमें से कोई बोलता है कि you know you should cast somebody else, not Nawal. And why is that? I get to know. I have no idea. Maybe because you will act so well or you look so pretty. और क्या वजह, कपड़े अच्छे पहनती है क्या? ओवरशैडो कर जाएगी। You should feel open about it and you know you should be confident about this because मुझे भी एक्स्ट्रा एक दो बार पता चला कि एक कोई एक प्रोजेक्ट था जिसके अंदर फवाद खान और मैंने कास्ट होना था, तो फवाद खान को जब पता चला तो उन्होंने कहा नहीं यार उसको ना करना, मेरी लुक्स मान पड़ जाएंगे। फवाद खान किथे ते तुसी किथे है? मैं भी इसी के साथ था, इसका मतलब बात की। अब तो आप बताएं आपका किसके साथ हुआ था ये? अब मैं नाम तो नहीं लूंगी। वैसे कभी ऐसे होते हैं कि कोई मेकअप आर्टिस्ट उसको जाके पूछ लेंगे कि नवाल विग लगाती है, बता दो सच बता। मेरे मेकअप आर्टिस्ट में जाके बोलते हैं ये, तो मैंने कहा अच्छा चलो यार बोल देना लगाती है, बोल देना। सो ही इज आल्सो बीन गोइंग टू पीपल एंड सेइंग जी ये है, क्योंकि मैं उसको बोलती हूँ आप इफ इट मेक्स देम हैप्पी जस्ट से। एक्ट्रेसेस के दरमियान में विगो में का भी इशू है। हाँ मतलब, और ऐसा कुछ होता भी नहीं, बट दे थिंक कि यू आर हाइडिंग समथिंग, तो कुछ पूछ ले जाके कोई सीक्रेट बात या कोई सीक्रेट प्रोडक्ट। तो इट्स, आई डोंट थिंक इट्स अबाउट हाउ यू लुक। मुझे लगता है आपकी पर्सनैलिटी, आपका ऑरा, आप जैसा लोगों के बारे में फील करते हैं, वो आपके बोलने से पहले ही वो आपकी एनर्जी चीख चीख के बता देती है लोगों को। नवाल जी, कभी हुआ रिकॉर्डिंग हो रही हो ड्रामे की, तो कुछ लड़कियाँ जैसे आप जैसी को स्टार वगैरह हो, तो आपस में बैठ के चुगलियां की किसी की? की होगी हाँ, ये तो मैं, आई एम नॉट अ सेंट, मैंने भी की होगी। वेलकम बैक टू गपशप। जी अरीज, नवाल बहुत कम लोग जानते हैं कि आप सिंगिंग भी कर लेती थी, आपने इसको प्रोफेशनली क्यों नहीं परसू किया? ये कम लोगों में आप भी हैं? हाँ मैंने सुनी हुई है। आपने कहाँ सुनी है? इन्होंने आप इनको सुनाती गाने? आई थिंक मेरे फादर के साथ भी वीडियो लगी हुई है। हाँ जी हाँ, वो मैं एक आध वीडियो मैंने देखी। जी जी जी, तो अभी सुनना चाहती हैं? नहीं नहीं नहीं। मगर ये क्या हकीकत है इसके अंदर कि आप सिंगिंग भी कर लेती हैं? मैं ट्राई करती हूँ, लेकिन मैंने वो सीखा उस तरह प्रॉपर प्रोफेशनली नहीं है, तो मेरे फादर मुझे कहते हैं कि सीख लो, काम की इज्जत करो, सीख के करो। अब्दुल्ला, आपको एक बात पता थी इनके बारे में कि सिंग भी कर लेते हैं? बिल्कुल पता है, इनके फादर बहुत अच्छा गाते हैं। अच्छा, एक म्यूजिकल माहौल रहा है इनके करीब मेरे ख्याल से, जहाँ तक मुझे। तो आप क्यों नहीं यार इनके साथ कोई एक गाना फीचरिंग नवाल सईद वाला? वो ऑलरेडी जो कर रही है, मेरा ख्याल है उसमें काफी बिजी है वो। क्यों आप चाहते हैं कि वो दो अलग कश्तियों में सवार हो जाए? नहीं, मगर एक गाना तो अब तो इतना लोग करते हैं, कोलैबोरेशंस होती हैं, तो कोलैबोरेशन का जमाना है, तो क्या है एक, या आप चाहते हैं मैं अकेला ही गाता रहूं? कोई मेरे साथ गाएं सर, मैं, मेरी कौन सी जागीर है, जितने गाने मैंने गाने गाए। आप चाहेंगी? मैं सीख लूं फिर जाऊंगी। आपको एक्टिंग वगैरह का शौक है? अपनी वीडियोस में करता हूं ना मैं एक्टिंग। हां, तो यानी कि यू डू हैव अ नैक फॉर इट? आई मीन आई एम अ सोलो आर्टिस्ट, आई थिंक इट्स पार्ट ऑफ द जॉब। वुड यू लाइक टू एक्ट इन अ ड्रामा? लाइक आई हैवंट थॉट अबाउट इट येट, बट यू नेवर से नेवर। आप इनके ड्रामे देखते हैं? आई डोंट थिंक सो। ड्रामे में बता रही हूं, उनको बता रही। ड्रामे में वैसे थोड़े मतलब जो कभी कोई दोस्त वगैरह दिखा दे तो वो मैं देखता हूं। बाय प्रेफरेंस थोड़ी कंटेंट कंजम्पशन जो है मेरी थोड़ी कुछ और है, जैसा कि फॉर एग्जांपल आई लव पीकी ब्लाइंडर्स, मैंने अभी उसको दोबारा खत्म किया। ठीक है, तो थोड़ा हुलू और एचबीओ वगैरह कंज्यूम कर रहा हूं मैं, लेकिन व्हेनेवर आई गेट टाइम आई एब्सोल्युटली हैव ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर पाकिस्तानी कंटेंट। तो अभी कितनी देर होगी को ड्रामा देखा आपने? बड़ा कुछ अच्छा लगा, कौन सा ड्रामा? मेरे पास तुम हो देखा था मैंने। आपने भी देखा वो? मेरे पास तुम हो, इनके तो बड़े भाई का था वो। तो आपने भी देखा था? जी बिल्कुल देखा। लव स्टोरी थी ना वो? लव स्टोरी तो नहीं थी। नहीं, पहले लव स्टोरी थी ना जब मेरे पास तुम हो, तो वो ज्यादा बिट्रेयल था और धोखा था और हर्टफुल ज्यादा था। बहुत प्रैक्टिकल स्टोरी, अगर बिट्रेयल और धोखा मोहब्बत में ही हो रहा था ना, तो प्राइमरीली एक धोखा जो कहा है धोखा, आपने मुझे भी तो धोखा दिया है। आपने वादा किया था कि नेक्स्ट मैं आऊंगी आपके पास तो मैं बताऊंगी, अब मिला कि नहीं मिला? कोई याद है? देखे वो उस वक्त आप जो आखिरी बार आई थी तो आपने कहा था कि मुझे भी याद आया, याद आया कि अगली बार इनविटेशन देके जाऊंगी, इनविटेशन देके जाऊंगी। मुझे सारा, ओए होए होए होए, वाली तो गले पड़ गई चीज जो लास्ट टाइम कही थी आपने। आज सच सच बता दें ताकि मैं फिर अपनी फूफो की लड़की से शादी कर सकूं, क्योंकि आपका मैंने बड़ा इंतजार कर लिया। नवाल, क्या इनविटेशन आप देके जा रही हैं? नो नो, आई एम नॉट श्योर एंड आई वांट टू बी, शी सेड दिस। Yeah, how can you say, how but would you I know? said that on the other
क्या बताता, दोबारा पूछ लेंगे आप। नहीं मगर आप बड़े सरप्राइज हुए हैं कि वो नहीं, मैं उसकी उस बात पे हुआ ना कि डिटरमिनेशन पे कि ये तो हो जाएगा तब तक। हाँ हो जाएगा, लेकिन अब मैंने ऐसे ही मगर वो नहीं हुआ, बाद में कैसे सब कुछ नहीं हुआ, नहीं हुआ। हाँ और होना भी नहीं, मुझमें कमी क्या है, मुझमें नवाल क्यों आप मुझसे इतनी नफरत करती हैं? कह रहे कमियां, नवाल कमियां क्या है? नहीं बिल्कुल कोई कमियां नहीं है मुझे, अभी मैं सोलो जिंदगी ज्यादा एंजॉय कर रही हूं। कोई तो बता दे कैसा आइडियल कैसा होगा ये तो बता दें थोड़ा सा, कि इस तरह का इंसान होना चाहिए, थोड़ा सा इतना ज्यादा पता हौसला हो जाता है। बस अच्छा इंसान हो, लॉयल हो, ऑनेस्ट हो। अच्छा तो मैं बहुत ही हूँ, और लग सन से मैं इनको रोज रोटी खिलाता हूँ। अच्छे तो मैं बहुत है, बहुत है। ऐसे इनके होते मैं ला के देता हूँ। दिल के अच्छे नहीं, असल में जो है ना, तुम कॉमेडी ना करो, दिल के अच्छे हो तुम बहुत। जी जी, लॉयल भी बहुत है आप, अंदाजा लगा ले 7 साल से हमारे साथ ही हैं। और तीसरा क्या आपने कहा था? ऑनेस्ट हो। ऑनेस्ट वो ही बहुत, ऑनेस्ट तो मैं बहुत हूं, बहुत सबसे उधार लिया मैंने, ऑनेस्ट तरीके से वापस नहीं कर रहा। बताइए अब और कोई फीचर? और बस ये आई थिंक, मुझे लगता है बेसिक चीजें हैं। बेसिक थी तो बड़ी एक ये, लेकिन सबसे बहुत डिफिकल्ट, बहुत सादा है, और ये बड़ी ये तो डिफिकल्ट टू फाइंड है। हैशटैग ऑनेस्टी वाली है ये तो, सही वाली बताएं ना ये तो। मैं देखें तो आई कैन नॉट बिलीव कि इसके अंदर आपको कुछ नहीं मिला। लगता है कि ये वो चीजें जो यू कैन नॉट बाय। हां तो ठीक है, यू कांट बाय लुक्स, यू डोंट से लुक्स। नो आई एम ऑफ कोर्स यू कैन इन टुडेस डे एंड एज, यू कैन आल्सो, यू कैन बाय लुक्स। नो आई मीन यू कैन, कहां पे मिल रही है लुक अ सर्टेन वे, अपने आप को ग्रूम कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें। तो जो जाने जहां में आपका खावन बना है जो, वो भी मेरे वर्ग ही नहीं, एडे को खूबसूरत भी। उस दिन आया था, उस दिन तुमने ये बात नहीं की बिल्कुल। उस दिन मैं मार खाने सी हैं। तो बड़े एक और इंटेंस किस्म के एक आदमी है, है ना? आपको ये फील हो? वेरी इंटेंस, बहुत इंटेंस। इज वेरी गुड गाय आल्सो, वेरी गुड गाय आल्सो, लॉयल एज वेल, ऑनेस्ट पे होंगे। एज एन एक्टर, एज अ फ्रेंड, ही इज वेरी नाइस। ऑडियंस का सवाल लेना है हमारे पास, ऑडियंस। जी मैडम प्लीज। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मरियम खान है। मैम नवाल से एक सवाल पूछना चाहूंगी कि आप माशाल्लाह इतनी ब्यूटीफुल हैं, और आप अपनी ब्यूटी के लिए कौन सी ब्यूटी टिप्स अडॉप्ट करती हैं, उसके लिए आप हमें क्या होम टिप्स रिकमेंड कर सकती हैं? ओए होए होए, ये देखें सीधा टू द पॉइंट आई है मैडम। आई डोंट थिंक कुछ स्पेसिफिक है पर्सनली, मुझे लगता है और लोग मुझे बोलते बहुत ड्रामेटिक हो तुम, बट आई थिंक ब्यूटी इज एज ब्यूटी डज, और अगर आप एज अ पर्सन अच्छे होते हैं तो वो लोगों को आप अट्रैक्ट करते हैं। आई एम समवेयर सेइंग दैट एंड आई आल्सो टेक प्राइड इन दैट, कि मुझे अच्छा लगता है कि मैं आई एम अ गुड पर्सन। यानी कि अगर आप गुड पर्सन हो तो आप गुड लुकिंग भी होंगे। You will look good to people. अगर आप एक अच्छे इंसान हो तो आप अच्छे लगेंगे भी। कैसर आप भी सुन ले, शानी तुम भी सुनो ढोलकी छोड़ के। हाँ जी, और आप भी इस बात पे गौर करें। जी प्लीज। अस्सलाम वालेकुम, मेरा सवाल मैम नवाल से है। आप एक बहुत अच्छी एक्टर हैं, म्यूजिक में भी इंटरेस्ट रखती हैं, और पेंटिंग भी बहुत अच्छी कर लेती हैं, किस चीज़ में ज़्यादा पर्सनल सेटिस्फेक्शन है? पेंटिंग मैं प्रेफर करती हूँ, जैसे अपने फ्री टाइम में कुछ, वो मुझे लगता है कि बहुत सूदिंग है और बहुत मुझे कामनेस फील होती है पेंट करके। और एक्टिंग में मुझे लगता है मैं अर्न करती हूँ, उसकी अपनेस एक अलग होती है, उसकी एक अलग अपनेस है, यूटिलाइज हो रहा है, आई कैन अर्न फ्रॉम इट। ओके जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हसन है, और मेरा ना क्वेश्चन अब्दुल्ला सर से है कि सर आप माशाल्लाह खुद बहुत अच्छे सिंगर हैं, तो वैसे आपको किस फीमेल सिंगर की आवाज अच्छी लगती है? यार फीमेल फेवरेट तो नहीं, मेल बता दूं? नहीं फीमेल बताएं, देखें हम शुरू से फीमेल नहीं बता रहे। आप अच्छे, आप शुरू से फीमेल नहीं बता रहे, तो बताइए आप कम से कम सिंगर तो बता दें। यार ऐसा नहीं हो सकता कि नहीं याद आ रहा, तो सो मेनी। आप तो उन्होंने कितने प्यार से कहा बता दो, सोचने तो दे ना थोड़ा। आपदा परवीन जी यार, विदाउट अ डाउट आपदा परवीन साहब ठीक है, और उसके अलावा फरिया परवेज जी थी। शाबाश, क्या बात। और लता जी कह दो ताकि गल मुके। ख्वाहिशें हैं, कभी कभी मैं खुद शर्मिंदा होने लग जाता हूँ। क्यों? मैंने कहा ना ये जो म्यूजिकल हो रही है ना, जो आजकल वीडियो वायरल हो रही है, तो इस तरह कहता है म्यूजिकल वायरल हो के हमें बिल्कुल पूरी दुनिया में वायरल हो जाना चाहिए। कहने लगा मैं म्यूजिक वीडियो बनाना चाहता हूँ, और पूरी दुनिया की बड़ी महंगी लोकेशनों के ऊपर बड़े बड़े, कह रहे जी कैमरे लगाएंगे, बड़ी बड़ी चीजें करेंगे, एक बहुत अच्छा वीडियो बनाएंगे, बड़े सिंगर से गाना गवाएंगे। ओके हाँ जी, हाँ जी, कह रहे जी बड़ी खूबसूरत हीरोइन लेंगे। ओके और फिर आगे से कह रहे हैं कि हीरो मैं आऊंगा। चौधरी खाली यस्तुति हमारे जारी का फिर हैदरान सामी फरी मंदिर आखुरवाना
ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਅਦਨਾਨ ਸਮੀ ਆ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਅਯੋ ਲਕਦ ਕਰ ਅਮਲਾ ਬਤਲ ਫੀ ਮਿਨ ਆਈਦੀ ਰਸਮੀਨ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ ਹੀਰੋਇਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਟ੍ਰੈਂਡ ਸੈੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੋਟਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਹੀਰੋ ਆ ਸਕਦਾ ਸਰ ਉਹ ਤੇ ਹੁਣ ਸਮਾਰਟ ਹੋ ਗਏ ਤੂੰ ਤੇ ਪਾਟਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਅਦਨਾਨ ਸਮੀ ਹਿੱਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਹਿੱਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਬਾਈਜਨ ਗਾਣਾ ਲਿਖੇਂਗੇ ਮਿਊਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ ਇਨਕੇ ਦੋਸਤ ਹੈ ਵੋ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਅਬਦੁੱਲਾ ਐਵੇਂ ਵੋ ਗਾਣਾ ਬਣਾਤੇ ਹੈ ਇਜ਼ ਅ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਲੁੱਕ ਦੇਅਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਭਾਈ ਕੈਸੇ ਅਬਦੁੱਲਾ ਮੁਜ਼ੱਫਰ ਇਜ਼ ਅ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਯੂ ਨੋ ਕੈਨ ਸਿੰਗ ਐਂਡ ਰਾਈਟ ਦ ਸੌਂਗ ਐਂਡ ਵੀ ਹੈਵ ਗਾਟ ਅ ਮਾਡਲ ਵਿਦ ਅਸ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਅਜ਼ਫਰ ਬੜੈਚ ਮੈਂ ਸਾਹੀਵਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਬੜੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਸੇ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਬਣਵਾਉਂ ਔਰ ਮੈਡਮ ਕੋ ਹੀਰੋਇਨ ਲੈ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਆਪ ਔਰ ਮੈਂ ਦੋਨੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਵੀ ਗਾ ਸਕਤੇ ਹੈ ਗਾਣਾ ਖੁਦ ਵੀ ਗਾਤੇ ਹੈ ਚਲੋ ਗਾਣਾ ਤਾਂ ਬਣਾ ਦੇਂਗੇ ਅਬਦੁੱਲਾ ਵਿਲ ਮੇਕ ਦ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਬਟ ਵੇਅਰ ਵਿਲ ਯੂ ਸ਼ੂਟ ਦ ਵੀਡੀਓ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਈ ਡੋਨਟ ਨੋ ਇਫ ਨਵਾਲ ਇਜ਼ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਅਗਰੀ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਸਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਮੈਂ ਅਭੀ ਦੇਖ ਕੇ ਆਇਆ ਹਾਂ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਮੈਂ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕਹਤੇ ਵੋ ਡਸਟ ਫ੍ਰੀ ਕੰਟਰੀ ਹੈ ਤੋ ਵਾਂ ਕਰੇਂਗੇ ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਆਈ ਵਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਫੀ ਲੰਡਨ ਫੀ ਅਮਰੀਕਾ ਫੀ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਯੈਸ ਕੋਈ ਲੋਗ ਵਿਲ ਹੈਵ ਟੂ ਆਸਕ ਹਰ ਇਫ ਸ਼ੀ ਅਗਰੀਸ ਆਈ ਫੀ ਮੈਡਮ ਕੋ ਆਪ ਜਾਣਤੇ ਹੈ ਅਨਾ ਆਰਫ ਯਾ ਹਬੀਬੀ ਲੇਕਿਨ ਅਨਾ ਮਾ ਫੀ ਮਾਲੂਮ ਓ ਜ਼ੇਰ ਮੈਡਮ ਜੋ ਹੈ ਵੇ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਸਟਾਰ ਹੈ ਆਈ ਵਾ ਹਾਂ ਚੌਧਰੀ ਮੈਂ ਵੀ ਤਾਂ ਲਿਟਲ ਲਿਟਲ ਸਟਾਰ ਆ ਜਮਾ ਬਾਰੇ ਰੈਡੀਵਾਨ ਰੈਡੀਵਾਨ 2 3 4 ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਅਗਲੇ 6 ਮਿੰਟ 'ਚ ਮੈਂ DSP ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਪਾਗਲ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ ਹਜ਼ੂਰ ਆਏ ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਿਆਸੀ ਹਾਲਾਤ ਜੋ ਪਿੱਛੇ ਗੁਜ਼ਰੇ ਨੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਹਕੂਮਤਾਂ ਬਣਨਗੀਆਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹਨਾਂ ਵਾਲਾ ਤਨਖਾਹਾਂ ਡਬਲ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਖਾਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਖਾਏ ਸਨ ਯਾਰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਫੀਸ ਦਿਓ ਤੇ ਤਨਖਾਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਾਕੀ ਸਿਰਫ ਬਚਦਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝਗੜਾ ਪਰ ਜਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤਨ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਆਹੋ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਨਾਲ ਊਬਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ ਓਕੇ ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਐਂਟਰੀ ਕਰਾਈ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਰਾਈਡ ਤੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਬੈਂਦੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਿਉਂ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਡਾਲੇ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਉਬਰ ਕੇ ਅੰਦਰ ਡਾਲਾ ਹੀ ਲੈ ਗਏ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਹੋਰ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਓ ਖੁਦਾ ਕਾ ਖੌਫ ਕਰੋ ਇਹ ਇਸ ਕੰਮ ਕੇ ਲਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਤੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮੈਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਐਵੇਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਲਈ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਚੜਾਤੀ ਨੌਕਰੀ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਫਿਰ ਪਰਜਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਵਿਹਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਆ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਛਾਪੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰੋ ਕਿਆ ਕਰੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਕਰੋ ਆ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪੋਡਕਾਸਟ ਕਰੋ ਪੋਡਕਾਸਟ ਆ ਪੋਡਕਾਸਟ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਮੇਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੋ ਸਪੀਕਰ ਜੇ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਮਾਈਕ ਉੱਤੇ ਉਹ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਥਾਣੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਮਰਾ ਸੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਦੇ ਕਦੇ ਨਾ ਜਾਂ ਚੋਰੀ ਦੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਮੁੱਝਾਂ ਬੰਨ ਫੜ ਕੇ ਲੈਣਾ ਨਾ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਬੰਨੇ ਆ ਓਕੇ ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਾਇਆ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਟੇਬਲ ਲਵਾਇਆ ਦੋ ਕੁਰਸੀਆਂ ਲਵਾਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਦੋ ਐਂ ਕਰਕੇ ਸਪੀਕਰ ਲਵਾਏ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉੱਥੇ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਸਿਆਸੀ ਬੰਦੇ ਦਾਖ ਹੈ ਨੇ ਨਾ ਪਰ ਚ ਕੁਛ ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੋ ਸਿਆਸੀ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਉਹ ਪੋਡਕਾਸਟ ਕਰ ਲਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ ਸੇ ਪੋਡਕਾਸਟ ਕਰਨਾ ਇਤਨਾ ਆਸਾਨ ਹੈ ਹਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਮੈਡਲ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਹਰ ਬੰਦੇ
ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਪੋਡਕਾਸਟ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਲੱਭਦੇ ਬਹਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੋ ਡਾਕੂਆਂ ਦੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜੀ ਦੋ ਡਾਕੂਆਂ ਦਾ ਪੋਡਕਾਸਟ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਇਹ ਨਿਆ ਵੈਸੇ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਦੋ ਜੇਬ ਕਤਰੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕੀਤੇ ਉਹ ਜਿਸਲੇ ਮੈਂ ਗਿਆ ਨਾ ਜੀ ਪ੍ਰੀਵਿਊ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੈਲੈਬ੍ਰਿਟੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਓਏ ਹੋਏ ਸੈਲੈਬ੍ਰਿਟੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਾਫੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਸੈਲੈਬ੍ਰਿਟੀਆਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਪੈਸੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇੰਨੇ ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਸਸਤੇ ਬੰਦੇ ਲੱਭੋ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਖਿਆਲ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋ ਬਸ ਘੰਟੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ 35 ਮਿੰਟ ਦਾ ਕਰਨਾ ਬਾਕੀ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮਸ਼ਹੂਰੀਆਂ ਚੱਲਣੀਆਂ ਨੇ ਭਾਈ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕਰ ਰਹਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਖੁਦ ਸੈਲਿਬ੍ਰਿਟੀ ਉਹ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਬਾਜੀ ਨੂੰ ਪੀਚੇ ਤੂੰ ਦੇਖੋ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਲਮ ਆ ਰਹੀ ਪੀਚੇ ਤੂੰ ਦੇਖੋ ਆਪਣਾ ਸਈਦ ਅਨਵਰ ਸਾਹਿਬਾ ਦੀ ਸਈਦ ਅਨਵਰ ਦੀ ਦਵਾਰ ਸਾਹਿਬਾ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਨਵਾਲ ਸਈਦ ਨਵਾਲ ਸਈਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਾਣੇ ਜਹਾਂ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਬਸ ਇਹ ਬਾਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕਰਾ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਕਰਾ ਦੂੰ ਖੁਦ ਕਰ ਲਓ ਸਰ ਜੀ ਬਾਜੀ ਪੋਡਕਾਸਟ ਹੈਗਾ ਬ੍ਰੋਡਕਾਸਟ ਬ੍ਰੋਡਕਾਸਟ ਪੋਡਕਾਸਟ ਆ ਪੋਡਕਾਸਟ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਅੱਛਾ ਮਗਰ ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਰਨਾ ਚਾਹਤੀ ਹੈ ਪੋਡਕਾਸਟ ਪੋਡਕਾਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜੀ ਫਨਕਾਰ ਤਾਂ ਬੜੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਪੇ ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਪੇ ਫ੍ਰੀ ਕਾ ਤੁਮ ਬਤਾਓ ਨਾ ਕਿ ਫ੍ਰੀ ਕਾ ਪੋਡਕਾਸਟ ਨਹੀਂ ਫ੍ਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਐਡੀ ਵੀ ਮੈਂ ਸਰ ਦਿਆਂਗਾ 200-400 ਜੋ ਨਹੀਂ 200-400 ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਹੈ 200-400 ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਂ ਪਾਉਂਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਆ ਓਏ ਹੋਏ 200-400 ਪਾਉਂਡ ਹਾਂ 200-400 ਪਾਉਂਡ ਸਰ ਬੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੈਸੇ ਆਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇਗੀ ਪੋਡਕਾਸਟ ਇਨਕਾ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂ ਅਦੇ ਯਾ ਟੱਕਰ ਮਾਰਾਂ ਨਾ ਨਾ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਤਿੰਨ ਘੰਟੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਤੈਨੂੰ ਲੱਗ ਪਤਾ ਜਾ ਪੁੱਤਰ ਦਿਮਾਗ ਚ ਪਾਣੀ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਿਸਤੌਲ ਬਾਜੀ ਇਹ ਫੋਟੋ ਮੈਂ ਚਲੋ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਮੈਂ ਲਾ ਲਵਾਂਗਾ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਵੀ ਨੈਕਸਟ ਪੋਡਕਾਸਟ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਨੈਕਸਟ ਵੀ ਕਮਿੰਗ ਸੂਨ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਕਮਿੰਗ ਸੂਨ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਪੋਡਕਾਸਟ ਵਿੱਚ ਕਮਿੰਗ ਸੂਨ ਹੋਗਾ ਉਹ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿਆਂਗਾ ਬਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਜਾਓ ਵੈਸੇ 2-4 ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਤੇ ਆ ਹੀ ਜਾਣਗੇ ਭਾਈ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਈ ਨੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਸਿੰਗਰ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਧਰੇ ਬਾਬਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਬੱਚਾ ਯਕੀਨਨ ਸਿੰਗਰ ਹੈਗਾ ਹਾਂਜੀ ਸਿੰਗਰ ਹੈ ਨਾ ਅਬਦੁੱਲਾ ਅਬਦੁੱਲਾ ਭਾਈ ਅੱਛਾ ਜੀ ਆਰਟਿਸਟ ਦੀ ਅੱਖ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਅੱਛਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਹੀ ਸੌਰੀ ਸੌਰੀ ਫਨਕਾਰ ਤੇ ਇਹ ਹੈਗੇ ਨੇ ਦੇਖੋ ਨਾ ਵਿਚਾਰੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਕੋਠੇ ਤੇ ਹੀ ਹੈ ਪੁੱਤਰ ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਦਿਲ ਨਾਲ ਬਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਜੀ ਅਰੀਜ ਅਬਦੁੱਲਾ ਆਪਕੇ ਸੌਂਗਸ ਬਹੁਤ ਕਮ ਆਤੇ ਹੈ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਕਮ ਸੁਣਨੇ ਕੋ ਮਿਲਤੇ ਹੈ ਕਲੀਅਰਲੀ ਪਤਾ ਚਲਤਾ ਹੈ ਆਪ ਕੁਆਲਿਟੀ ਪੇ ਫੋਕਸ ਕਰਤੇ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਆਮਿਰ ਖਾਨ ਸੇ ਇਨਸਪਾਇਰਡ ਹੈ ਦੇਖੇ ਮੈਂ ਆਪਕੋ ਉਸਕੀ ਇੱਕ ਵਜ੍ਹਾ ਬਤਾਤਾ ਹੂੰ ਅਬ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਗਾ ਐਸਾ ਹੁਆ ਹੈ ਕੁਛ ਸਾਲੋਂ ਮੇਂ ਔਰ ਉਸਕੀ ਇੱਕ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਉਸਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਈ ਐਮ ਅ ਸੈਲਫ ਟੌਟ ਮਿਊਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਮੇਂ ਨੋਬਡੀ ਇਜ਼ ਫਰਮ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਮੈਂ 16 ਸਾਲ ਕਾ ਥਾ ਔਰ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਜੋ ਇੱਕ ਫੋਨ ਥਾ ਮੈਨੇ ਵੋ ਬੇਚ ਕੇ 10-15,000 ਕਾ ਆਡੀਓ ਕੀਆ ਔਰ ਵੀਡੀਓ ਕੀਆ ਤੋ ਆਈ ਹੈਵ ਸਟਾਰਟਡ ਕੁਆਇਟ ਸਮ ਟਾਈਮ ਅਗੋ ਜੈਸੇ ਆਪਣੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੇਅਰ ਆਤੇ ਲੇਕਿਨ ਜੈਸੇ ਜੈਸੇ ਵਕਤ ਇਹ ਗੁਜ਼ਰਤਾ ਗਿਆ ਆਈ ਵਾਜ ਔਨ ਅ ਸੈਲਫ ਐਕਸਪਲੋਰੇਸ਼ਨ ਜਰਨੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਇਟਸ ਅ ਵੈਰੀ ਓਪਨ ਇਟਸ ਅ ਵਾਸਟ ਫੀਲਡ ਆਈ ਥਿੰਕ ਤੋ ਮੁਝੇ ਕਿਆ ਕਰਨਾ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਸ ਬਾਰੇ ਮੇਂ ਹੂੰ ਔਰ ਮੇਰਾ ਕਾਮ ਕਿਸ ਬਾਰੇ ਮੇਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਏ ਇਸਕੋ ਫਿਗਰ ਆਊਟ ਕਰਤੇ ਮੁਝੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਟਾਈਮ ਲਗਾ ਬਟ ਆਈ ਐਮ ਵੈਰੀ ਪ੍ਰਾਊਡ ਦੈਟ ਆਈ ਟੁੱਕ ਮਾਈ ਟਾਈਮ ਆਈ ਐਮ ਰਾਈਟਿੰਗ ਮਾਈ ਓਨ ਕੰਟੈਂਟ ਆਈ ਐਮ ਲਿਰਿਕਲੀ ਓਰਿਜਨਲ ਐਂਡ ਆਈ ਟੇਕ ਹਿਊਜ ਪ੍ਰਾਈਡ ਇਨ ਦੈਟ ਟੂਡੇ ਸੋ ਬਟ ਵੇਅਰ ਐਜ਼ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਇਜ਼ ਕੰਸਰਨਡ ਅਬ ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਐਕਟਿਵਲੀ ਅਭੀ ਮੈਨੇ ਇੱਕ ਕਲੈਬੋਰੇਸ਼ਨ ਕੀ ਇੱਕ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਟਿਸਟ ਹੈ ਸੋ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਅ ਇੰਡੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਲੈਬੋਰੇਸ਼ਨ ਦੈਟ ਆਮ ਡੂਇੰਗ ਨੈਕਸਟ ਇਟਸ ਕਨ ਕਮ ਆਊਟ ਈਦ ਕੇ ਆਸ ਪਾਸ ਤੋ ਅਬ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਗੈਪ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਅਬਦੁੱਲਾ ਭਾਈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਪਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਨਸ ਹੈ ਮੈਂ ਵੀ ਉਨਮੇਂ ਸੇ ਇੱਕ ਅਦਨਾ ਸਾ ਫੈਨ ਹੂੰ ਆਪਕਾ ਤੋ ਕੋਈ ਗਾਣਾ ਅੱਛਾ ਸਾ ਆਪਣਾ ਸੁਣਾਏ ਤੋ ਬਸ ਆਪਕੋ ਗਾਣਾ ਸੁਣਾਤਾ ਹੂੰ ਕਲੋਜ਼ਰ ਅਭੀ ਲਾਸਟ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੈ ਮੇਰੀ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲੇ ਤਕਰੀਬਨ ਆਇਆ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਆਪ ਪਲੀਜ਼
वेलकम बैक टू गपशप जी, आप बताइए। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम अख्तर हुसैन है। मेरा सवाल सर अब्दुल्ला से है। आप बचपन से सिंगर बनना चाहते थे, तो आप किसको सुनते आ रहे हैं? फीमेल सिंगर बोले। नहीं नहीं, आई हैव नॉट लिसन टू किसी एक बंदे को। म्यूजिक ना थ्रू आउट इवॉल्व होता रहा। जब मैं बड़ा हो रहा था, मेरी एक इमैच्योरिटी वाले एरा से लेकर अभी तक ना बहुत चीज़ें बदल गई सुनने में, जो चल रहा था, जो लोग काम कर रहे थे। तो मैंने चलते दौर में सबको सुना है और अच्छे काम को हमेशा अप्रिशिएट किया। मैं जब बड़ा हो रहा था तब जल और ये सब लोगों का अरूज था। मैं स्कूल में था और मैं इन लोगों को सुनता था। पर फिर उसके बाद जिस तरह इंडस्ट्री इवॉल्व होती गई और जो जो अच्छा काम करता गया, मैंने हमेशा उसको सुना और जो मुझे अच्छा लगा उसको बार बार सुना है। फिर वॉज दिस समथिंग जो कि आप बचपन में, जब आपका यही एम था कि आप यही करना चाहते थे, वाज इट समथिंग एल्स जिसके लिए यू वर मे बी प्रेपिंग अप? सो आई एम अ वेरी प्रैक्टिकल गाय। आई ऑलवेज अंडरस्टूड हाउ द इंडस्ट्री एंड आर्टिस्ट वर्क प्रैक्टिकली। जब फाइनेंसिस की बात आती है, मैं एक बहुत नीचे से उठ के आया हुआ लड़का हूँ। लाइक आई कम फ्रॉम अ वेरी हम्बल बैकग्राउंड, तो आई फेस वेरी हार्डशिप्स एज अ किड, यू नो, फाइनेंशियली एंड इन ऑल दोज पर्सपेक्टिव। तो मुझे हमेशा पता थी कि कुछ भी अपनी जात के लिए करने से पहले आई हैव टू प्रैक्टिकली मेक श्योर कि एवरीथिंग अराउंड मी डजंट गेट अफेक्टेड विद व्हाटएवर आई वांट टू डू इन माय लाइफ। ओके, तो फॉर दोज रीजंस मेरी प्रैक्टिकल लाइफ एक है जो बिल्कुल अलग है। वो एक कॉर्पोरेट वर्ल्ड भी मैं लीड करता हूँ और फिर देयर इज दिस व्हाट आई डू सोली आउट ऑफ पैशन। एंड आई नेवर फॉरगेट द रीजन के जो पैशन ही था जिसने ड्राइव करवाई थी, दैट्स द रीजन आई वेंट आउटसाइड माय हाउस टू अर्न मनी। तो आई वुड नेवर फॉरगेट दैट एंड दिस इज माय प्योर ऑनेस्टी टू माय वर्क and I will always stay loyal to it. जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सैयद कैसर अब्बास है। मेरा क्वेश्चन मैम नवाज से है। ड्रामा इंडस्ट्री में आप किस एक्टर से जेलस होती हैं? जेलस होती हैं बाबा, ये आपका सवाल मुझे बड़ा अच्छा लगा है और यकीनन वो इसका जवाब देंगी। सब कैसर ऐसे ही सवाल जी, तो बताइए आप किससे जेलस होती हैं? जेलस मैं नहीं होती, मैं किसी को कंपटीशन अपना नहीं समझती, लेकिन मुझे जिनका काम पसंद है, मैं चाहती हूँ कि मैं उनके जैसा काम करूँ। आई लाइक यमुना ज़ैदी। हाँ, मैं जेलस नहीं होती उनसे, लेकिन मुझे होता है कि आई वांट टू डू समथिंग लाइक दैट। तो यमुना मुझे पसंद है, आई लव सजल एंड या सजल और यमुना है जिनके साथ ये काम करना चाहेंगी। जेलस तो नहीं उनके होती, जैसा काम उनके जैसा काम करना चाहेंगी। ठीक है जी, प्लीज। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मीनाह रशीद है और जो मेरा सवाल है वो मिस नवाल से है। आपके बहुत ज्यादा फैन है और आप किसकी फैन है? कोई फैन मोमेंट जो है वो हमसे शेयर करें। मैं सानिया सईद की फैन हूँ। सानिया सईद साहिबा की फैन है। एंड आई लाइक अ लॉट ऑफ एक्टर्स और मुझे रिसेंटली भी मुझे जैसे आई वाज वर्किंग विद हारिस बट आई वाज रियली इंस्पायर्ड बाय हाउ ही एक्ट्स एंड हाउ ही प्रिपेयर्स फॉर हिज कैरेक्टर्स। तो ये बिट्स मैं हर किसी से मुझे लगता है मैं कलेक्ट करती रहती हूँ। पूछ रहे हैं कोई फैन मोमेंट ऐसी कोई आया? फैन मोमेंट एक बहुत फनी है, मैंने आई थिंक एक शो में बताया था। यहां पे कुछ सीरियस शो कर रहे हैं। आई वाज एट द एयरपोर्ट और वहां पे दिस लेडी केम टू मी और मुझसे बात करती रही और बहुत एक्साइटेड थी, सो आई वाज आल्सो वेरी नाइस टू हर कि मैं पिक्चर ले लूं। तो मैंने कहा जी, फिर उन्हें बोला कि इतने मेरे घर वाले खुश होंगे, मैं आज बताऊंगी जाके कि मैं हमजा की बीवी से मिली थी। तो शी थॉट आई वाज नेमल। आपने उनको बताया? मैं एंबैरेसमेंट में नहीं बता सकी, मैंने कहा चलें नहीं मुझे समझ लें। कोई आपका कोई फैन हो जिसने आपको बहुत तंग किया हो, किसी लड़की? पहले तो ये कंडीशन अच्छी लगी। नहीं माशाल्लाह आपका, मैं भी ऐसा ऐसा आ रहे थे कि वो डाल रहे हैं कि कोई खातून लड़की ने आपको तंग किया हो, मैसेज किए हो, आपने ब्लॉक किया हो, कोई इस तरह का मसला कोई चला हो? ब्लॉक तो आप उसी को करते हो ना जो आपको डिजिटली तंग कर रहा होता है। तो जो आपको डिजिटली तंग कर रहा होता है उससे उस तरह का खतरा तो मेरा नहीं ख्याल होता। आप मेंटली जो आपको तंग कर रहा हो वो फिर आपका अपना मसला है, आपकी अपनी चॉइस। आप तंग हो रहे हैं, आपने अपने आपको इस पोजीशन में डाला हुआ है कि कोई तंग कर रहा है आपको। कोई तंग कर रहा है, कोई मेंटली आपको इतना बॉदर कर रहा है कि आपको उसके ऊपर गाना बनाना पड़े या ना बनाना पड़े, या फिर आप जो भी आपको चाहिए हो, कोई वो एक और मामला है। ये मैं सीखना चाहती हूँ। अस्सलाम वालेकुम मैम, मेरा नाम तहसीन है और माशाल्लाह आप बहुत ज्यादा प्यारी हैं, आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। और मैम मेरा आपसे सवाल ये है कि आपने रोकूंगा मैं यहाँ पे बैठे। वैसे मुझे ये बताइए, जो आपको बार बार लोग कहते हैं कि आप बहुत ज्यादा हसीन है, ये कैसी फीलिंग होती है? क्योंकि हमें तो नहीं होती है।
बताइए मैडम कैसा आपको वैसे लगता है? तारीफ सुनने में अच्छी लगती है। तारीफ सुनने में अच्छी लगती है? मुझे तो अच्छा लगता है। बेशक था कैसा ही कुछ होता। मैम मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि आपने बहुत सारे एक्ट्रेस के साथ काम किया है, तो आपने कुछ ऐसे एक्ट्रेस हैं इंडस्ट्री में जिनके साथ आपने काम नहीं किया, तो इसकी क्या रीजन है? Do they exist? पहला सवाल ये है। नहीं, I don't think so. मैं जिनके साथ काम किया एक्सपीरियंस अच्छा ही रहा है, और कुछ होंगे आई एम श्योर जिनके साथ नहीं करना चाहूंगी, लेकिन अभी तक ऐसा जितना कोई मेरे दिमाग में कोई स्पेसिफिक इंसान नहीं आ रहा कि इस वाले के साथ मैंने काम नहीं करना। ऐसा कोई नहीं है, स्पेसिफिक इंसान कोई आ नहीं। और आपको कोई सिंगर जिसके साथ आप गाना नहीं गाना चाह रहे हो लड़कियों में? हर कोई होता ही ना कोई। नहीं, ऐसी है, कोई स्पेसिफिक कोई बस जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ज़ैनब है और मेरा क्वेश्चन सर अब्दुल्ला से है कि आपका फेवरेट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कौन सा है? इंस्ट्रूमेंट फीमेल वैरायटी आपकी कोई हॉबी है? आई लव प्लेइंग वीडियो गेम्स। अच्छा, मैं जिम शौक से जाता हूँ। क्या कर रहा है? जो सब कर रहे जाते हैं, ठीक है। म्यूजिक मेरा काम इटसेल्फ ऐसा है कि वो हॉबी है, इट्स सच अ फन एक्टिविटी कि वो कभी काम काम लगता नहीं है। आप की कोई हॉबी है? मैं पेंट कर लेती हूँ, आई राइट समटाइम्स। नया घर बना रहा हूँ, उसमें आपने करना सारा घर बनाने से ज्यादा लेगो भी बनाता हूँ। लेगो भी बनाते हैं आप? अच्छा, तो आप पेंट कर लेती हैं, पेंट करती हैं, और कभी कोई सीरीज अच्छी लग गई या कुछ तो वो बैठ के देखना, आई रियली एंजॉय इट। अच्छा, हम भी वैसे बैठ के ही देखते हैं सीरीज, मगर कौन सी आपने बैठ के देखी थी सीरीज? मैंने देखी थी लास्ट, कौन सी देखी? मैं ब्रिजर्टन देखी थी, आई रियली लाइक्ड इट। ओके, हां दैट आई रियली। वैसे आप खुद भी काफी ट्रैवल ट्रैवल भी करती रहती हैं? ट्रैवलिंग आई रियली लाइक। हां, आई कुड नॉट से ट्रैवलिंग हॉबी होती है क्या इनके लिए? लग रहा है ऐसा ही है। कुड बी, आई मीन यू व्हाटएवर यू एंजॉय डूइंग अपने स्पेयर टाइम में। तो ये आप ट्रैवल अकेले ही करती हैं या? मैं सोलो ट्रैवल, और कभी मैं कुछ फ्रेंड्स होते हैं। आप सोलो ट्रैवल कर रही होती हैं? तो मुझे ये बताइए कि तस्वीर कौन खींच रहा होता है? नहीं, मेरे फ्रेंड्स भी जाते हैं साथ, जैसे लास्ट टाइम आई वेंट टू। सस सवाल है ये, सस सस सवाल है। सारे ऐसे सवाल मेरे खाते में आप कहा के सोलो? मैं भी ट्रैवल करता हूँ, मुझे तो बहुत मसला, मेरी तो बहुत कम तस्वीर आती है, क्योंकि मतलब समझ रहे, एक मर्द वैसे ही जहर लगता है सेल्फी लेते, मुझे लगता है। एग्जैक्टली, और कोई साथ होता नहीं है जिसको आप। और आप कितनी बार गुजरते हुए बंदे को कह सकते हैं कि भाई कैन यू प्लीज टेक अ पिक्चर? यू नो इट सीम्स ऑड, यू कांट डू दैट, इट सीम्स ऑड। एंड उसमें भी अब्दुल्ला, जो इंटरेस्टिंग बात मुझे लगती है वो ये लगती है कि एक तो ये कि आप किसी को कहें कि भाई एक तस्वीर खींचते हैं, तो ये एक अपने अंदर एक बड़ी अजीब सी बात है। फिर कोई बाहर के लोग, अंग्रेज टाइप लोग जरा नाइस होते हैं, तो बेचारे कहते हैं या शोर, ठीक है चले, उसने खड़ा हो गया, अब आप एक खड़े हो गए एक आइकॉनिक जगह के आगे और आप खींचने लगे, बुरी पिक्चर ना आना। वो बात, सवाल ये है कि उसके बाद आप ये वाला पोज और ये वाला पोज और ये वाला पोज कैसे कर सकते हैं? मुझे लगता है इजीियर ऐसे भी है कि यू विल नेवर मीट दैट पर्सन अगेन, तो बस आप तो जो पोजेस भी उसके साथ, ये खतरनाक मेंटालिटी है ये, फिर एक दफा आ जाए तो सिर्फ तस्वीर तक थोड़ी रहेगी। क्या, यू नो यू आर नॉट गोना मीट अनदर पर्सन अगेन, यू कुड ट्रीट हिम व्हाटएवर वे यू वांट, अ स्ट्रेंजर ऑन द स्ट्रीट, यू डोंट नो आपने मिलना है कभी नहीं मिलना, तो आप उनके साथ अगेन पॉइंट कोई चाची बामी ताई का बेटा है कभी दोबारा नजर आएगा? लेकिन मैं भाई तस्वीर खींच मारी, आपका फेस अच्छा है, प्यारी है, ये भी एक वजह हो सकती है। सोशल मीडिया पे लगाती हैं वासी भाई, जब भी कहते हैं सोशल मीडिया पे लगाते हैं, एक कमेंट्स आता है तेरा बंदा ने सही। नवाल, आपकी वजह से मुझे कैसी कैसी बातें सुननी पड़ी हैं। बस रियली लाइक वासु, मैं तो उनको मैं बोलती भी हूँ कि आपकी बड़ी बहुत अच्छी पर्सनालिटी मेरी हो गई है। और हो गई है, मैं इस बात पे शो खत्म कर रहा हूँ। नवाल, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो। अब्दुल्ला, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, एंड बेस्ट ऑफ लक टू बोथ ऑफ यू, एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स। और आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।